गाइस एक सैड न्यूज़ निकल के आई है सारे के सारे रियांश फैंस के लिए। सो वो सैड न्यूज़ ये है कि हमारे रियांश को जो एकदम बिल्कुल भी वोट्स नहीं जा रहे आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स पर। तो बता दूँ इसका रीज़न ये है, मतलब आप लोग समझो कि इसमें सैड वाली न्यूज़ क्या हुई, एक दिन वोट जाएगा नहीं जाएगा तो हम लोग क्या सैड न्यूज़ मान लेके बैठ जाएंगे। तो बता दूँ इसका रीज़न ये है कि हमारे जो है ना कुछ फैंस जो है मान चुके हैं कि एक हम लोग अगर एक दिन वोट नहीं करेंगे, एक वोट से क्या होगा, अगर हम लोग एक दिन वोट नहीं करेंगे तो दूसरे फैंस हैं ना वो लोग कर देंगे। यही चीज़ अगर सारे के सारे फैंस के अगर दिमाग में आ गई, सारे के सारे फैंस अगर माइंड में यही चीज़ सोचने लग गया ना, तो बस हो गया, सब ख़त्म हो गया। हमारे रियांश का हारना एकदम पक्का है। अगर ऑडियंस चाहे तो उसको एक जोड़ी को जो है मतलब वो विनर भी बना सकता है, अगर ना चाहे तो वो जो है लूज़र भी बना सकता है। तो अगली बार तो हमारा रियांश लूज़र ही हुआ इतने वोट्स के बावजूद। बट इस बार हम लोग कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सो हमारे रियांश फैंस हार मान के बैठ जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि अगर हम लोग एक दिन वोट नहीं करेंगे, एक दिन अगर वोट नहीं करेंगे, एक आदमी अगर एक फैंस अगर वोट नहीं करेंगे तो और है ना इतने हज़ार हज़ार है तो वो लोग कर देंगे। अरे भाई वो लोग भी है बट उन लोग के ऊपर सारी जिम्मेदारी हम लोग दे, हम लोग कौन से, तो हम लोग रियल वाले फ़ैन नहीं है, हम लोग बदतमीज़ एकदम फ़ैन है जो कभी भी रियांश को मतलब रियांश की अच्छाई नहीं चाहता, रियांश के कभी कभार रियांश की चीज़ें सोचता है, तो हम लोग वही ही कहलाते हैं। तो बट मैं तो हमेशा वोट करती हूँ, बट हमारे कुछ फैंस ऐसा सोच रहे, सब लोग अगर ऐसे ही सोचने लगे तो बस हो गया, रियांश का लूज़र होना पक्का है। कोई ना कोई अपडेट्स के साथ न्यू वीडियो में मिलते हैं सारे के सारे फैंस।